भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। डामरीकरण कार्य में स्वीकृत दर से अधिक दी गई सरकारी राशि वसूलने की आपत्ति रिपोर्ट को रोकने के लिए 10,000 की रिश्वत ले रहे साकोली पंचायत समिति के ग्राम विस्तार अधिकारी को जाल बिछाकर एंटी करप्शन विभाग के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है। शिकायतकर्ता ग्राम सेवक से रिश्वत लेने वाले विस्तार अधिकारी का नाम खेलेंद्र टेम्बरे, उम्र 53 वर्ष है। अचानक हुई इस कार्रवाई से पंचायत समिति कार्यालय में हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता लोक सेवक है तथा किन्ही ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक के पद पर कार्यरत रहते हुए वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत द्वारा 150 टीन डामर 150 रुपए की दर से निविदा आमंत्रित कर क्रय किया गया था। सड़क डामरीकरण कार्य हेतु 3,000 प्रति टीन इस दर से निविदा मांग कर ग्राम पंचायत द्वारा खरीदी किया गया। 2023 में कुछ ग्राम पंचायतों का ऑडिट किया गया। उक्त ऑडिट रिपोर्ट में इस बात पर आपत्ति जताई गई कि शिकायतकर्ता ग्राम सेवक ने 1,000 रुपए प्रति टीन के स्थान पर 3,000 रुपए प्रति टीन की दर से डांबर खरीदा। पंचायत समिति साकोली के आरोपी ग्राम विस्तार अधिकारी टेम्बरे ने शिकायतकर्ता को सड़क डांबरीकरण कार्य के लिए 3,00,000 से अधिक की धनराशि यह कहकर उपलब्ध कराई कि यदि उक्त वसूली नहीं होने दी गई तो वसूली आपके द्वारा की जाएगी। इस संबंध में बिना रिपोर्ट भेजे जिला परिषद को उक्त 3,00,000 रुपए की वसूली आपत्ति का निस्तारण ऐसी रिपोर्ट भेजनी थी तो उसने टेम्बरे से 10,000 रुपए रिश्वत की मांग की। पुलिस अधीक्षक राहुल माकनी कर पुलिस अधीक्षक सचिन कदम के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार लोहार, पुलिस निरीक्षक कमलेश सोंटके ने की है। ट्रक चालकों की हड़ताल से नागरिकों की मुसीबतें तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। हड़ताल शुरू होते ही नागरिकों ने पेट्रोल का स्टॉक करना शुरू कर दिया, जिसके चलते जिले के लगभग 60% पेट्रोल पंपों से पेट्रोल खत्म हो गया है, जबकि डीजल का स्टॉक अभी पर्याप्त है। हड़ताल के चलते ट्रक चालकों ने दूसरे दिन भी जिले में जगह जगह प्रदर्शन करते हुए नए मोटर वाहन कानून को रद्द करने को कहा। इसी तरह पौनी में ट्रक चालकों ने एक दूसरे को फूलों की माला पहनाकर गुलाल उड़ाकर अनोखा प्रदर्शन किया। ट्रक चालकों की हड़ताल का असर प्रत्येक क्षेत्र पर होने लगा है, लेकिन सबसे तेजी से इसका प्रभाव पेट्रोलियम कारोबार पर पड़ा है। पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा कंपनी से ईंधन का स्टॉक मांगा गया, पर ट्रक के चालक डिपो में जाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में जिले में पेट्रोल व डीजल की आवक बंद हो चुकी है। जिले में कुल 52 पेट्रोल पंप होकर एक एक कर लगभग 60% पंपों से पेट्रोल खत्म होने की जानकारी सामने आई है, जबकि डीजल का स्टॉक वर्तमान स्थिति में उपलब्ध है। भंडारा विधायक नरेंद्र भोंडेकर की मांग पर संत रोहिदास चमड़ा उद्योग और चर्मकार विकास निगम ने जिला कलेक्टर को गुणवत्तापूर्ण कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए एक एक्सलेंस सेंटर और फूड पार्क क्लस्टर खड़ा करने के लिए 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। यह केंद्र अपनी तरह का विदर्भ में एक लौता होगा और इसके बनते ही क्षेत्र के हजारों हाथों को रोजगार मिलेगा। इस संबंध में विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने 23 दिसंबर को महाराष्ट्र सरकार को एक पत्र लिखकर मांग की थी। इस पर तत्काल निर्णय लेते हुए संत रोहिदास निगम ने भंडारा में जमीन तुरंत उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इस जमीन पर लगभग 100 करोड़ का केंद्र और फूड पार्क क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में राशन धारकों को गैस सिलेंडर मिलने से केरोसिन निर्धारित हो गया है। साथ ही सरकार द्वारा आर्थिक रूप से दुर्लभ लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत घर घर गैस सुविधा उपलब्ध कराने के कारण उनके राशन कार्ड में केरोसिन की एंट्री भी बंद कर दी गई है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में केरोसिन मिलना मुश्किल हो गया है। केरोसिन के तेल से चलने वाले पानी के इंजन दिन ब दिन बढ़ते गैस सिलेंडर के दाम के कारण आम मजदूर परिवार भी गैस सिलेंडर नहीं खरीद पाते। गाँव में एक बार फिर पारंपरिक चूल्हे जलने लगे है। नतीजतन गृहिणियों को चूल्हे जलाने के लिए मिट्टी का तेल नहीं मिल पाता है, इसलिए उन्हें चूल्हा जलाने के लिए वैकल्पिक प्लास्टिक बैग या कागज का उपयोग करना पड़ता है। भले ही केरोसिन की आपूर्ति बंद हो गई है, लेकिन केरोसिन की मांग अब भी बनी हुई है, इसलिए ग्रामीण इलाकों में केरोसिन के लिए भटकने की नौबत आ गई है। इसलिए उम्मीद है कि प्रशासन इस ओर गंभीरता से ध्यान दे और केरोसिन की आपूर्ति शीघ्र शुरू करे।
आजकल हर कोई मोबाइल का दीवाना हो गया है। बच्चे और युवा मोबाइल फोन के आदि है। कोरोना के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई के लिए अभिभावकों ने बच्चों को एंड्रॉइड मोबाइल दिया है, लेकिन वह मोबाइल के आदि बन गए। बच्चे मैदान पर समय बिताने की बजाय मोबाइल गेमिंग पर ज्यादा समय बिताते नजर आ रहे हैं। इसलिए आंखों की बीमारियों के साथ साथ मोटापा और अन्य बीमारियां भी अपना सिर उठाने की कोशिश कर रही है। आजकल के बच्चे ऑनलाइन गेमिंग के दीवाने हैं। बच्चों का बढ़ता स्क्रीन टाइम माता पिता की वर्तमान चिंता का विषय है। लगातार मोबाइल फोन के इस्तेमाल से बच्चों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग से अभिभावकों को लाखों रुपए की चपत लगी है। यह एक तरह से मोबाइल फोन और ऑनलाइन गेम की लत है, जिसका प्रयोग बच्चों के दिमाग को विकृत करने के लिए किया जाता है। ऑनलाइन गेम के माध्यम से युवा मोबाइल पर अधिक समय बिता रहे हैं। हिट अँड रन विधेयकातील सुधारणा संदर्भात ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसांनी केंद्र सरकारमध्ये काल बैठक पार पडली। हिट अँड रन विषयाच्या जाचक तरतुदी तुर्तास लागू होणार नाही असं केंद्र सरकारने आश्वासन दिलं होतं। संप मागे घेण्याचं आवाहन गृह सचिवांनी केलं होतं, मात्र तरीही गोंदियामध्ये ट्रक चालकांनी संप मागे घेतलेला नाही। आज गोंदिया शहरातील जयस्तंभ चौक येथून भव्य मोर्चा वाहन चालकांनी काढत या कायद्याचा विरोध दर्शविला। से 2000 लोग लगभग शामिल है। हम माननीय जिलाधिकारी साहब को निवेदन देने आए हैं कि शासन प्रशासन के पास में हमारी जो मांग है उसको जल्द से जल्द उठाए और हमको सात्वना पूर्वक जवाब दे। अभी पीछे रात को हमको मीडिया के द्वारा एक न्यूज में ऐसी खबर आई है कि शासन उस बिल के ऊपर में सुधार करने जा रही है, लेकिन क्या सुधार करने जा रही है और किस तरीके का सुधार करने जा रही है उसकी टोटल स्पष्टीकरण अभी हुआ नहीं है। इसीलिए हमारा अभी विरोध जारी है। अब ये कब तक चलेगा इसका, जब तक हमको शासन का निर्देश नहीं आता तब तक तो ये मान के चलोगे बंद ही रहेगा। कौन कौन इसमें शामिल है आपके साथ? ऑटो हमारे साथ में ऑटो ड्राइवर, कार ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, सभी किस्म के ड्राइवर इसमें शामिल है। पहले गोंदिया जिल्हा ऑटो युनियनचा प्रवक्ता है। आमच्या मोर्चात लगभग 15 ते 2000 च्या जवळपास लोक आहेत आणि पूर्ण गोंदिया जिल्ह्यातून आले आहेत। जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आमचा मोर्चा आहे। त्यांना आम्ही निवेदन देऊन आपल्या ज्या ह्या मागण्या आहेत काला कानून जो हिट अँड रन ह्याच्याबद्दल आम्ही त्यांना निवेदन देतो आणि हा कायदा मागे घेण्यात यावा असं आमच्या पूर्ण गोंदिया जिल्हा ऑटो संघटनाकडून निवेदन देण्यात येतं। हे 3 दिवस झाले आमच्या ऑटो आणि सगळे गाड्या बंद आहेत इथे आणि जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाही व आम्हाला समाधानकारक आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आम्ही बंद राहू आणि भविष्यात आज असं झालं नाही तर आमची संघटना ड्रायव्हर संघटना तीव्र आंदोलन करणार आहे। तुमसर शहरातील भुजली तलावाचे नवीनीकरणासाठी 5 महिन्यांपूर्वी नगर परिषदेकडून निविदा प्रकाशित केले होते, परंतु ज्या व्यक्तीला संबंधित कामाचा ठेका दिला गेला त्या व्यक्तीकडून ई टेंडरचे अटीशर्तीचे पूर्तता न करता त्याच संबंधिताला ठेका दिला, त्यामुळे तो कामाचा ठेका रद्द करा अशी मागणी नागरिक करीत आहेत। भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर शहरातील येथील तलावाचा टेंडरच्या अटीशर्ती पूर्ण न झाल्यामुळे संबंधित विभागाला अनेकदा तक्रारी करूनही आतापर्यंत कुठलीही कारवाई झालेली नाही। पदाचा दुरुपयोग करीत व्यक्ती विशेषला देण्याच्या दृष्टिकोनातून टेंडरच्या अटी पूर्ण न करणाऱ्या व्यक्तीला ठेका दिला गेला आहे। तलावाचे नूतनीकरणाच्या कामाचा अनुभव नसलेल्या अनुभवाच्या खोटा प्रमाणपत्र देऊन टेंडर मिळवल्याची माहिती अधिकाऱ्यांना होती तरी कोट्यावधीचा कामाचा ठेका दिला गेला आहे। शैलेश पडोळे यांनी या प्रकरणाचा तपास करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी व संबंधित ठेका रद्द करून दुसऱ्यांदा निविदा प्रकाशित करावी अशी मागणी केली आहे। माझं नाव शैलेश सुधाकर पटोले आहे। मी या वार्डाचा रहिवासी आहे आणि इथली समस्या अशी आहे की भुजली तलाव हा या तलावाचं नाव भुजली तलाव आहे। या तलावाच्या सौंदर्यीकरणाकरिता आमची मागणी होती। आमची मागणी आम्ही जिल्हा परिषदेचे सभापती असताना आताही सभापती आहेत रमेशभाऊ पारधे यांना मागणी केली होती की त्यांनी नगरपालिकेला सौंदर्यीकरणाकरिता हँडओव्हर करण्यात यावा म्हणून तलाव त्यांनी त्यांच्याकडून काही अटीही नमूद करून तलाव नगरपालिकेला सौंदर्य करण्याकरिता दिलेला होता। त्याच्यानंतर तलावाकरिता जो निविदा काढण्यात आली त्या निविदामध्ये खूप सारे अटी शर्ती ठेवले गेलेले होते। त्या अटी शर्तीचा कुठलाही पालन न करता अशा निविदाधारकाला त्यांनी निविदा दिली आहे ज्याला
काम करण्याचे अनुभव नाही। आमची मागणी आहे का आता आम्हाला न्याय मिळाला पाहिजे। सर्वात आधी या तलावाची रीतसर मोजणी व्हायला पाहिजे। हा 29 जवळजवळ 29 एकरचा तलाव असल्यामुळे याची मोजणी झाल्यानंतर अतिक्रमण काढायला पाहिजे। कंपाऊंड वॉल करून पाण्याची व्यवस्था याच्या सांडपाणी येत्याच्या बाहेरच्या तो खराब पाणी येते, तलावाचं पाणी खराब होते। याच्यात गुरुडरांना आधी पाणी प्यायसाठी एक रस्ता होता, तो रस्तासुद्धा बंद करण्यात आला, तो रस्तासुद्धा ठेवायला पाहिजे। पाणी हा जीवन जगण्याचं साधन आहे। आणि त्यानंतर या टेंडर प्रक्रियेत जे अनियमितता ज्यांनी आणला आणि पदाचा दुरुपयोग करून जो काम देण्यात आलेला आहे अशा अधिकाऱ्यावर कारवाई व्हायला पाहिजे अशी आमची मागणी आहे। जर अशी कारवाई झाली नाही तर आम्ही जनआंदोलन करू। त्याचबरोबर याची माहिती अधिकाऱ्यांना दिली होती तरी पण सुद्धा स्वतःच्या हिताच्या दृष्टिकोनाने करोडोच्या कामाचा कंत्राट दिला गेला आहे, त्याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी शैलेश पडोळे यांनी केली असून या प्रकरणात दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी व सदर कंत्राट रद्द करून दुसऱ्यांदा निविदा प्रकाशित करावी अशी मागणी केली जात आहे। नाव सुरेश दाऊदर चकोले, मी शेरवाड येथे राहतो, तलावाच्या पाठी माझ्या मकान आहे। सर, याच्यामध्ये हा काम चालू असताना आम्ही वारंवार या कामाची तक्रार नगर परिषदेला दिली होती, लेकिन ते या याच्याकडे काही ध्यान नाही देऊन आल्यात का हे नाही करून आल्यात। आणि दुसरी गोष्ट येते सर, एवढी हे आहे, आबादी फैलली आहे, त्याची कचरा बाहेरच्या पाणी नाल्याच्या गडरच्या पाणी जमा होतो, त्या येते वास येतो, आम्ही घराजवळच राहतो आणि येते अतिक्रमण तर असा झालेला का असे जाता। याच्याबी आम्ही काही वेळा तक्रार नगर परिषदेला दिलेली होती, लेकिन नगर परिषदवाले कोणी येऊन पाहत नाही, काही नाही। असा वाटते का नगर परिषदच्याच हा काम आहे ना, हे दुर्लक्ष करून आल्यात या कामाकडे। काही वेळा तक्रार करून झाली तरी बी काही ध्यान देत नाही आहे। सर, असं आहे, हा काम अशा व्यक्तीला चांगल्या व्यक्तीला दिल्या पाहिजे, त्या ठेकेदारला दिला आहे तर काही येऊन पाहत नाही, काम चालू झाला कुठे झाला तो दिसत नाही आहे। दुसरी गोष्ट काही बोर्ड नाही, काही नाही ना, काही नाही ना, काही ध्यान देऊनच नाल्यात, कुठली काम का आहे काय दिसून बी नाल्यात। दिल्ली में हिट एंड रन को लेकर नए कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल खत्म हो गई है। सरकार के साथ वार्ता के बाद यह तय हुआ है कि नए कानून की धारा के तहत अभी कार्रवाई नहीं होगी। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता के बाद केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने यह आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में नेशनल विंटर कार्निवल के दौरान लोक कला का प्रदर्शन करते हुए कलाकार। अयोध्या जिले के फैजाबाद में एक विनिर्माण इकाई में प्रदर्शित श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मॉडल। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाना है। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार सुबह उपद्रवियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। उपद्रवियों की फायरिंग में 4 पुलिस कमांडो और 3 जवान घायल हो गए। मणिपुर के सीमावर्ती शहर मोरे में सुरक्षा बलों और उपद्रवियों के बीच गोलीबारी हुई। भंडारा शहर के पास 10 किलोमीटर दूरी पर वर्टी सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी मंगलवार सुबह करीब 3:30 बजे विस्फोट हो गया। विस्फोट में 3 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए। आम चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर स्वयं अपनी लोकप्रियता नापने का कार्य करने वाले हैं। उन्होंने देश के नागरिकों को आह्वान किया है कि वह राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन अपने घर में एक दिया भगवान राम के लिए जरूर जलाए। केंद्र सरकार अगले 7 वर्षों में 800,000 डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों से बदलने की योजना पर काम कर रही है। यह संख्या सड़कों पर चल रही कुछ बसों की 1/3 से अधिक है। देश में अभी तक कोविड-19 के उपस्वरूप JN1 के कुल 263 मामले सामने आए। इनमें से करीब आधे मामले केरल में दर्ज किए गए हैं। अभी तक 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वायरस के JN1 की उपस्थिति पाई गई है। ट्रक हड़ताल का दूसरा दिन व्यापक असर देखने को मिला। ट्रक के साथ साथ बस सेवा भी पूरी तरह से बंद हो गई है। खासकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जाने वाली बसों के पहिए पूरी तरह से थम गए हैं। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे औकात आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात।
तेज रफ्तार बाइक बस से टकरा गई। इसमें बाइक चालक व पीछे बैठा युवक घायल हो गया। फिरियादी बोरगांव निवासी श्रीकांत भास्कर केलकर बस से प्रवासी ले जा रहे थे, तभी एकोड़ी के पास तेज रफ्तार बाइक सवार ने टक्कर मार दी। साकोली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। चौद्वारा बाजार में रखे दोपहिया वाहन की चोरी की घटना दौड़ीपार बाजार में घटी। इस मामले में कादा पुलिस ने व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी का नाम कोसरा निवासी तेजाराम उर्फ तेजस जगदीश आले, उम्र 28 वर्ष है। खेती में रखे 4 बोरी धान चोरी की घटना उमरवाड़ा में हुई। उमरवाड़ा निवासी फिरियादी भावेश नरेश घडले, उम्र 39 वर्ष ने धान काटकर चुराई की गई धान के बोरे खेत में रखा था। इसमें से धान के 4 बोरे अज्ञात चोर चोरी कर लिया। तुमसर पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। बड़े भाई को हत्या के मामले में फंसाने का आरोप लगाकर दंडे से पीटने और केस वापस लेने का दबाव बनाने की घटना कस्तूरबा गांधीवाड भंडारा में हुई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। कोसम टोला निवासी गौरव हेमंत रहांगडाले, उम्र 12 वर्ष को बिच्छू ने काट लिया। उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। आमगांव तहसील के किडंग की पार में हुई दुर्घटना में 3 लोग घायल हो गए। घायलों को शासकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घायलों में दामिनी कोरे उम्र 8 वर्ष, सुहानी कोरे उम्र 10 वर्ष व संजय कोरे उम्र 45 वर्ष का समावेश है। शहर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अर्जुन मोरगा तहसील के ग्राम पीपलगांव खांबी निवासी आशीष बिसेन, उम्र 35 वर्ष के खेत में रखे धान के 2 ढेर में आग लगने से नुकसान हुआ है। इस प्रकरण में पीपलगांव खांबी निवासी विशाल बिसेन उम्र 28 वर्ष, नीलेश के उम्र 27 वर्ष व नीरज बिसेन उम्र 37 वर्ष के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।